अब हम रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में बता दे कि सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, परीक्षा का दूसरा दिन है और सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। हमारे साथ संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं, हम सीधा रुक करते हैं। रिजवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, परीक्षा का आज माफ करिएगा तीसरा दिन है, तो इस तीसरे दिन में क्या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में यानी यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा यानी पुलिस परीक्षा हो रही है, जिसको लेकर आज तीसरा दिन, तीसरे दिन भी लगातार जिस तरीके से सरकार की जो लगातार जो जिम्मेदारी है वो लगातार कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, और जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरह से दो दिन की जो खबरें निकल कर सामने आए, ऐसे तमाम जो है मुन्ना भाई हैं वो कहीं ना कहीं पकड़े गए, तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर, जो तमाम जो अफवाहें फैला रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो लगातार जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी लगातार कहीं ना कहीं जो है अपनी रोल को संभाले हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई जो है गलती ना होने पाए, जिससे कि पेपर लीक का मामला, क्योंकि इससे पहले तो इसी साल 17-18 फरवरी को जो पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर तमाम जो है ऐसी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता है उत्तर प्रदेश सरकार की, किसी भी तरीके से जो पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं ना कहीं खराब होने पाए। रिजवान, पुलिस तो पूरी तरह से मुस्तैद है, सरकार भी कई एक्शन ले रही है, अब जो परीक्षार्थी है उनसे आपकी क्या बातचीत हुई है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके से इस साल में जो परीक्षा हुई थी 17-18 फरवरी को, ऐसे में जब पेपर लीक होता है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो छात्राओं में जो है कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार फिर से जो है उनको री एग्जाम का डेट आती है उसके बाद कहीं ना कहीं उन छात्राओं को जो है चेहरे पे मुस्कान आती है कि चलिए ठीक है दोबारा से एक बार एग्जाम होगा, लेकिन इस बार जब छात्राएं अपने सेंटर तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, जिसके बाद उनसे जब अगर नीचे से बातचीत होती है तो उनका कहना होता है कि जिस तरह से अगर सरकार की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इस बार देखे जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार कोई पेपर लीक की कहीं ना कहीं जो है बात सामने नहीं ना आ सके। ऐसे में तमाम जो है उत्तर प्रदेश के तमाम जो है जनपदों में जो पेपर लीक जो अफवाह थी वो कहीं ना कहीं ऐसे जो गिरोह थे उनके कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, और लगातार जो अगर बात करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी है खुद ही गाँव जो कहीं ना कहीं तमाम जो है परीक्षा केंद्र का वो जायजा ले रहे थे, और लगातार जिस तरीके से तमाम जनपदों में या जिले के डीएम हो या जिले के किसान हो वो लगातार कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो उन परीक्षा केंद्रों पर अपने लगातार मुस्तैदी से कहीं ना कहीं उनका निरीक्षण कर रहे हैं तमाम अपने। रिजवान, सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा बड़ी परीक्षा में से एक मानी जाती है, अब यातायात की अगर हम बात करें तो यातायात सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किया है, क्या ट्रैफिक व्यवस्था सही चल रही है, सही समय पर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं को परीक्षा को देखते हुए तमाम जो है उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं वो फ्री कर दी गई थी, तमाम साथी उनके लिए की गई थी, और वहीं रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टेशन की बात करें उनके उनके कहीं ना कहीं ठहरने का जो है सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया था कि किसी भी तरीके से उन छात्राओं को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात करें लगातार उन जगहों पर जहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं होती है छात्रा को देखते हुए उनकी कहीं ना कहीं जो हालात हैं उनको कहीं तमाम उनके उनके लिए जो पुलिस कर्मी लगाए गए हैं उनके उनके जवान लगाए गए हैं कि जिस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाधित ना करने पाए, और ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने बस और तमाम जो है चीजों को जो है फ्री किया है इन छात्राओं के लिए कि अपने परीक्षा केंद्र कहीं ना कहीं पहुंच सके, ऐसे में जैसे जब छुटता है यानी जब परीक्षा केंद्र जब अपनी परीक्षा देकर निकलते हैं जिसके बाद जब उनकी दौड़ होड़ होती है जाने के लेकर तमाम बस अड्डों पर तमाम रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं भीड़ देखी जाती है, और उनमें कहीं ना कहीं धक्का मुक्की भी देखी जाती है क्योंकि अपने जो है आवास को पहुंचने के लिए तमाम उन उम्मीदों को वो अपने उम्मीदों को छोड़कर आते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो परीक्षा दे रहे हैं इस बार कहीं ठीक ना होने पाए, जिसको लेकर तमाम उनके दिमाग उनके जहन में ऐसे तमाम ऐसे सवाल कहीं ना कहीं चलते नजर आते हैं, और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें वो लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तमाम उच्च अधिकारी के साथ बैठक भी कर रहे थे क्योंकि तमाम उन पूरे यूपी की मॉनिटरिंग भी खुद सीएम योगी कर रहे थे कि कहीं भी किसी भी तरीके में कोई चूक ना होने पाए, जिसको लेकर पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं किसके सामने आ सके, लेकिन साथ ही साथ अभी परसों की बात है जो पहले दिन की परीक्षा हुई उसमें सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री आशीष के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई थी, और साथ ही साथ ऐसे तमाम जो पेपर लीक अफवाहें जो फैला रहे थे उन पर भी कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुई, और साथ ही साथ पहले दिन जो गोरखपुर में एक पुलिस आरक्षी यानी शरावस्ती में
जनपद में तैनाती और गोरखपुर में उसकी गिरफ्तारी होती है, वो संदिग्ध में पाई जाती है, उसको उसके फोन में 5 गिटका भी बरामद होते हैं। तो ऐसे ऐसे में लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो है उनकी टीम तमाम जो भी खुफिया एजेंसी है वो लगाई गई है, किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो सके, इसको लेकर तमाम जो है मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जो है नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से लापरवाही नजर रखने का है कि सुगंधित मामले को लेकर कहीं ना कहीं बातें की निकल के सामने आए जिसको लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इसका उसका मुद्दा बना सके। जी बिल्कुल रिजवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश में आज मुख्य तौर पर सिपाही भर्ती परीक्षा ही छारी रहेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है और परीक्षा को लेकर सरकार पहले से ही एक्टिव हो चुकी है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी सूरत में नकल करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कई ऐसे नकलची को गिरफ्तार भी किया गया है, कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले थे। यानी अब हम कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार भी नजर रखी जा रही है। सरकार की तरफ से नजर रखने का मुख्य मकसद यह है कि पुलिस भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में बड़ी परीक्षा में से एक मानी जा रही है, इसे कदाचार मुक्त रखना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना हो और जो योग्य परीक्षार्थी है उन्हीं का चयन इस परीक्षा में हो सके। इसके अलावा हमने बिहार की खबरों से भी आपको रूबरू करवाया। बिहार में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि अब युवाओं के लिए चलाई जा रही है, खासकर रोजगार को लेकर सरकार एक्टिव हो चली है, रोजगार देने के बारे में इस पर ध्यान दिया जा रहा है। नाव हादसे जो हो रहे हैं, नाव हादसा किस तरह से कम किया जाए इस पर भी सरकार एक्टिव हो चली है। सरकार का कहना है कि जितने भी नाव एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे अगर जाते हैं तो उनके पास परमिट होनी चाहिए। एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है ताकि किसी की भी नाव यानी बाढ़ के पानी में डूबने से मौत ना हो। इसके अलावा हमने झारखंड की खबरों से आपको रूबरू करवाया। झारखंड में आज मुख्य तौर पर सभी की नजरें कांग्रेस पार्टी पर टिके रहेगी क्योंकि प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज पहुंच रहे हैं, बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से झारखंड के विधानसभा चुनाव पर फतेह किया जाए, जनता के बीच जाया जाए और उनको अपनी योजनाओं से अवगत कराया जाए। तो आज बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कौन कौन सी खबरें मुख्य तौर पर छाई रह सकती है, हमने उससे रूबरू करवाया और इसके साथ ही और भी कई ऐसी खबरें हैं जो कि दिन भर छाई रह सकती है। हम पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे, आप नजर बनाए रहिए।